येत्या रविवारी दिनांक 8 मे 2022 रोजी दुपारी 1 ते 5 या वेळेमध्ये मौलाना अबुल कलाम सभागृह टीव्ही सेंटर औरंगाबाद येथे राज्यस्तरीय बुद्धिस्ट वधूवर परिचय महामेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. मेळावा शुल्क म्हणजेच नोंदणीची शुल्क ही 4000 पॅकेज आपण फक्त 1500 रुपयांमध्ये देत आहोत. 1500 मध्ये त्यामध्ये तुम्हाला लग्न जमेपर्यंतचे सर्व मेळावे मोफत देण्यात येतील. त्या शुल्कमध्ये तुम्हाला लग्न जमेपर्यंत ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोफाइल तुम्ही पाहू शकता. यहाँ पे तो ये बस्ती जो है पूरी सब पर्टिकुलर ऐसा सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अपने ये ऐसा नहीं है, ये पूरा सोशल इंजीनियरिंग टाइप ये बस्ती में सब जात के लोग रहते हैं. तो पर्टिकुलर MIM या पर्टिकुलर शिवसेना या पर्टिकुलर वंचित ये बायफर्गेशन मैं करूंगा नहीं, ये सबका काम है. ये वोट मांगने आचार अभी हम मौजूद है टाउन हॉल के ऊपर. यहाँ पर कम से कम 2-3 साल से ड्रेनेज बह रहा है, लेकिन कुछ वक्त में महानगर पालिका के लोग आते यहाँ पर मशीन बेच के जीनिंग करते साफ कर दे फिर चले जाते, लेकिन प्रॉपर वे से काम नहीं होता. अभी हाल ही में ईद थी, ईद के 4 दिन से यहाँ पे काफ़ी ड्रेनेज बह रहा है. यहाँ के लोग काफ़ी परेशान है, किसी के टेलर की दुकान है, वो बेचारे टेलर अपनी दुकान भी नहीं खोल पाए, जबकि ईद का ऐसा सीजन था. यहाँ पे लेडीज़ के कपड़े वगैरह के लिए उनकी दुकान भी बंद करना पड़ी उस गंदगी की वजह से. आइए उनसे जानते हैं कब से ये मसला है और क्या क्या मसला है. आपका नाम बोलिए और आपकी दुकान नाम बोलिए, क्या मसला है. श्री गायकवाड़ नाम है मेरा, आर्या लेडीज टेलर. ये 15-20 दिन से बह रहा, बहुत गंदा पानी बह रहा, बैठे नहीं जा रहा वहाँ पे. मैंने कल अर्जेंट ब्लाउज थे तो इधर मशीन लेके दो तीन ब्लाउज सिलाई. अभी मैंने मेरे को मशीन घर पे ले जानी पड़ी. ये सब जो आप तकलीफ हो रही, यहाँ के कोई कॉर्पोरेटर या महानगर पालिका काफी नजदीक है, महानगर पालिका में कम्प्लेन वगैरह की क्या आपने. कोई भी नहीं आता सर, कम्प्लेन भी किए ना तो कोई नहीं आता. आपने वो गाड़ी आके पानी निकाल के चले जाते, फिर वो वैसे के वैसे 2-3 घंटे के बाद बहने चालू हो जाता. ये कितने साल से तकलीफ है आप लोगों को. ये 1.5-2 साल हो रहे उसको. हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये इस गंदगी से लोगों को कितनी तकलीफ होती है और हॉस्पिटल यहीं करीब होने की वजह से खुद डॉक्टर साहब को कितनी तकलीफ हो रही है. डॉक्टर साहब आपका नाम बताइए. देखिए मेरा नाम डॉक्टर जाकिर है, 15 साल से यहाँ क्लिनिक है हमारा, लेकिन पिछले 2-3 साल से काफ़ी ये ड्रेनेज की इतनी तकलीफ है यहाँ पे शिद्दत से. कॉरपोरेशन यहाँ से 100 मीटर के ऊपर है, लेकिन कोई इंजीनियर वगैरह आते देखते चले जाते. सब में बड़ी हाइट तो ये है कि सफाई कामगार का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जय भीम नगर और आसिफिया कॉलोनी में लोग रहते हैं, लेकिन मोहल्ले के सफाई का हाल आप देख रहे हैं, ड्रेनेज सालों से बह रहा है. पेशेंट तो इस मोहल्ले में इतने बीमार पड़ते हैं ये ड्रेनेज की वजह से, गंदगी की वजह से, कि वो हम लोग दिन भर घर छोड़ के अभी ईद के दिन भी मुझे क्लिनिक खोलना पड़ा, इतनी भीड़ थी ये गंदगी. तो इसके लिए कुछ ना कुछ परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए, सिर्फ कॉमजेट लाके ये काम होता नहीं सर. तो ये आपसे गुजारिश है कि ये हमारी बात जो है आप पहुंचाए. सालों से सिर्फ इंजीनियर आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, और रहा सवाल कॉर्पोरेटर का, तो अभी तो नगर पालिका के कॉर्पोरेटर की मियाद भी वो ख़त्म हो चुकी है, प्रशासक है अभी. तो प्रशासक सर का भी ये काम है कि 100 मीटर पे कॉर्पोरेशन है और सफाई के ये हालात है, तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे. स्लम एरिया है, इसके लिए आपका ध्यान इस पर जाता नहीं, ऐसा कुछ है क्या. जहाँ पे सिड़को हड़को आरिफ कॉलोनी हाई फाई सोसाइटी है वहाँ पर ये गंदगी आपको दिखेंगी नहीं. अभी काफ़ी बीच में पेपर वगैरह में भी आया था, कमिश्नर साहब ने स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीते जी. तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्मार्ट सिटी है क्या. नहीं, अभी स्मार्ट सिटी के अवार्ड कैसे जीते जाते हैं ये मेरे से ज़्यादा आप समझ सकते हैं. ये पूरा मैनेज करके अवार्ड मिलते हैं, मेरा स्पष्ट आरोप है ये. ये हाल में अगर स्मार्ट सिटी का अवार्ड ले रहे तो अवार्ड देने वाले अंधे होंगे या तो लेने वाले अंधे होंगे, ये दोनों में से कुछ तो एक बात हो रही है. ये पोजीशन में कहाँ से स्मार्ट सिटी का अवार्ड है. मेरी गुजारिश है आप कमिश्नर साहब और आयुक्त जो भी रिलेटेड है, एक बार उनको लाके यहाँ जय भीम नगर में लेके आइए. स्मार्ट सिटी कहाँ नजर आ रही है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ. कैसा पानी बह रहा है आगे देखिए, जाके पूरा एक कचरा डेपो है, एक कचरे का वहाँ पे कोई बड़ा सा कोई डेपो का वो नहीं रख रहे हैं कि भाई कचरे की कुंडी एक बड़े से रखो. अब ये हालात क्यों होते हैं इसकी वजह वो खुद आपको बेहतर बता सकते हैं. अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने काटकर साहब को फोन किया हुआ था कि मैं मीटिंग में हूँ, क्या ये उनका सही है क्या बर्ताव. नहीं अभी मीटिंग मैं जो बोल रहा हूँ, काटकर साहब तो कई बार आते हैं.
ये होता क्या है सर, अभी यहाँ जितने भी करे ना वो आके यहाँ चले जाते हैं और मीटिंग में है ये बताना एक बहुत आसान बाईपास करना जिसको बोलते हैं हमारी जबान में कि भैया वो खाली बोल दिए मीटिंग में है, जिम्मेदारी खत्म हो गई। लोग भी यहाँ के मोर्चे निकाल के थक गए, पानी का ये आलम है, दस दस पंद्रह पंद्रह दिन पानी नहीं आता, इसकी वजूहत क्या है ये देखना चाहिए। क्या स्लम एरिया है बोल के आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो कि यहाँ पे तो ये बस्ती जो है पूरी सब पर्टिकुलर, ऐसा सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अपने ये ऐसा नहीं है, ये पूरा सोशल इंजीनियरिंग टाइप ये बस्ती में सब जात के लोग रहते हैं। तो पर्टिकुलर MIM या पर्टिकुलर शिवसेना या पर्टिकुलर वंचित ये बायफर्गेशन मैं करूँगा नहीं, ये सबका काम है। ये वोट मांगने आप हर पाँच साल हमारे पास आते, हमारी फैसिलिटीज की तरफ आप ध्यान देते क्या, किस हालत में हमारे मोहल्ले के लोग जी रहे ये कौन देख रहा। सिर्फ पांच साल आने के बाद अगले पांच साल हमको मेंबर ढूंढना पड़ता किधर रहता बोल के। महानगर पालिका यहाँ से 100 मीटर पे यहाँ के लोगों का आरोप है, सीधा सीधा महानगर पालिका अनदेखी कर रही है। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, सैयद एहतेशाम के साथ।